एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, समाज में आज के समय में कई सारे बातें कई जगह पे देखने को मिल जाता है कि रिलेशनशिप्स किस तरह होता है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में जो जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं आज के समय पे, पुरुष और महिला दोनों काफ़ी जो रिलेशनशिप है पुरुष और महिला का, या समाज के जो बदलाव है मॉडर्निटी के साथ में जो बदलाव आए हैं उसके साथ में पुरुष और महिला के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी कुछ ओपननेस हो चुका है, लोग बड़े आसानी से एक दूसरे के साथ बात करते हैं या कोई भी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। आज के समय में जिस तरह पुरुषों का महिलाओं के तरफ का नज़रिया और महिलाओं का पुरुषों के तरफ का नज़रिया जो है बदल चुका है, और काफ़ी समाज के साथ में जो पहले का समय था उस समय में जिस तरह महिला और पुरुष आपस में मिलते थे, बातें करते थे, या जिस तरह का रिलेशनशिप रहता था, संबंध रहता था आपस में, वो अब के समय में काफ़ी बदल चुका है। तो ये जो किताब है आज जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें काफ़ी इसी तरह का विषय के ऊपर में चर्चा किया गया है। जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है डियर मैन, Masculinity and Modern Love in Me Too India। तो हाल ही में हमने जैसे सुना था मी टू कैंपेन एक चला था जिसमें कि कई तरह की बातें सामने आए, कई कई बड़े सेलिब्रिटीज उनके प्रति जो पुरुषों का अत्याचार हुआ है महिलाओं के प्रति उस तरह के महिलाएं सामने आए और मी टू कैंपेन में उन्होंने शामिल हुआ, और उनके साथ जो जिस तरह का गलत व्यवहार हुआ है या फिर उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया है, मिसयूज़ किया गया है, उसके बारे में उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे इस किताब में ऑथर कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि किस तरह ह्यूमन बिहेवियर में आप पुरुषों का बिहेवियर को किस तरह स्टडी कर पाएंगे, पुरुष किस तरह का सोच रखते हैं औरतों के प्रति, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। और इस किताब का ऑथर हैं प्राची गंगवानी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस किताब का पब्लिशर हैं ब्लूम्सबेरी इंडिया। तो यहाँ पे इस किताब में ऑथर ये सारे बातें बताते हैं कि किस तरह आप एक पुरुषों का जो व्यवहार है उसको आप समझ पाएंगे। कई सारे सेलिब्रिटीज सामने आए हैं मी टू कैंपेन के बाद में, और उन्होंने ओपन किया कि किस तरह उनके साथ में मिसबिहेव हुआ है। तो समाज में जो पुरुषों का जिस तरह का दृष्टिकोण है औरतों के प्रति, या फिर रिलेशनशिप के प्रति, या फिर मैरिज एंड सेक्सुअलिटी के प्रति किस तरह का सोच रखते हैं मॉडर्न मैन टुवर्ड्स वुमेन, उसके बारे में इस किताब में बताने की कोशिश की गई है। ऑथर का ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी सारा जो है डिस्कशन करने के बाद में पुरुषों के साथ में औरतों के साथ में काफ़ी सारा डिस्कशन करने के बाद में उन्होंने जो नतीजा पाया या फिर जिस तरह का बातें उनके सामने आया उसके आधार पे उन्होंने ये किताब लिखा है, जिसमें उन्होंने मी टू कैंपेन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, और ख़ासकर सेक्सुअलिटी के बारे में कई सारे बातें यहाँ पे की गई है, क्योंकि सारे रिलेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअलिटी को लेकर रहता है। तो क्यों किस तरह का हर एक रिलेशंस को आप सेक्सुअलिटी के साथ में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है, पुरुषों का दृष्टिकोण औरतों के प्रति किस तरह रहता है, क्या हर रिलेशनशिप सेक्स के साथ में ही जुड़ा रहता है या फिर कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ये सब भी रहता है, इस तरह के कई सारे स्टडीज जो हैं उसको उसके आधार पे ये किताब को लिखा गया है। और यहाँ इस किताब में आपको जेंडर स्टडीज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस किताब में आप साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी पा सकते हैं कि किस तरह एक पुरुष के मन को समझ पाएं अब, क्योंकि समाज में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष और महिला एक दूसरे का अगर समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो कई सारे जो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद में कई सारे बातों के ऊपर आप सोचने लगेंगे कि एक किस तरह का रिलेशन होगा, अगर एक महिला है तो फिर आप समझ पाएंगे कि पुरुष किस तरह का सोच रखते हैं महिला के प्रति, और किस तरह आपके आसपास में या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ में जो आपका उठना बैठना बात करना है वो किस तरह का है, आप किस तरह उनको हैंडल कर पाएंगे, उस रिलेशनशिप को किस तरह मेंटेन कर पाएंगे, या फिर उस रिलेशनशिप को किस तरह आप आगे ले पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग किताब लगा मुझे, इसलिए मैंने इस किताब के बारे में ये वीडियो बनाया है। अगर इस किताब के बारे में आप और जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इस किताब के बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए व्यूअर हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, कुछ और नए अच्छे किताबों के बारे में हम बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।